हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल तो आज फिर डिस्कस करने वाले हैं हम फोर्टी क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि होंगे जेको पीरियड से लेकर के रजिस्ट्रेशन पीरियड तक के तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ये डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे जैसे लेक्चर एग्जाम यू पी टी जी टी पी जूनियर डी एस सभी एग्जाम्स के लिए और लास्ट तक वॉच करेगा वीडियो को आपको कुछ नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हु इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश न्यो क्लासिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ लोगों को बहुत सरल भी लग रहा होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है बट फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश न्योक्लासिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन आर ऑप्शन ए फ्रांसिस बर्मेंट ऑप्शन बी थॉमस हेवुड ऑप्शन सी जॉन वैब्सटर ऑप्शन डी बेन जॉनसन सो द राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन डी बेन जॉन्सन बेन जॉनसन इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश न्यो क्लासिस्ट और बेन uh, जॉनसन का जो जन्म हुआ था 1572 में हुआ था और इनकी डेथ 1637 में हुई थी 1572 में बेन जॉनसन का जन्म हुआ 1637 में इनकी डेथ हुई थी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेन जॉनसन इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश न्यू क्लासिस्ट नाउ क्वेश्चन नंबर टू चार्ल्स लैम डिस्क्राइब्ड हिम एज अ शॉर्ट ऑफ प्रो शेक्सपियर हु वॉज ही फ्रेंड्स इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हैं जिसमें कि किसी ने किसी के बारे में फ्रेज कही है किसी राइटर ने कही किसी क्रिटिक ने कही है वो एज इट इज रट लेना है किसने किसके बारे में कौन सी फ्रेज कही बस इतना ही करना है तो चार्ल्स लैम्ब ने किसके बारे में कहा अ शॉर्ट ऑफ प्रो शेक्सपियर हु वॉज ही ऑप्शन आर ऑप्शन ए जॉन वेबस्टर ऑप्शन बी जॉन मार्सटन ऑप्शन सी जॉन फ्लैचर ऑप्शन डी थॉमस हेवुड सो द राइट आंसर इज़ हेयर थॉमस हेवुड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स थॉमस हेवुड जो थे वो इंग्लिश प्ले राइट थे एक्टर थे और इनका जो बर्थ हुआ था इनका जन्म हुआ था फिफ्टीन सेवेंटी फाइव में और सिक्सटीन फोर्टी वन में इनकी डेथ हुई थी फिफ्टीन सेवेंटी फाइव में और इनका जो मास्टर पीस वर्क है वो है अ वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस वोमेन किल्ड विथ काइंडनेस इनका मास्टर पीस वर्क है एक ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी थी जो कि सबसे पहले परफॉर्म की गई थी हंड्रेड थ्री में तो थॉमस हेवुड का ये वर्क याद रखना है काफी है अब वोमेन किल्ड विथ काइंडनेस एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है जो कि सिक्सटीन हंड्रेड थ्री में सबसे पहले परफॉर्म की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री Question number three is which play of Francis Beaumont and John Fletcher is esteemed by John Dryden as the best of their typical comedies? Options are The Night of the uh, Burning Special, The Scornful Lady. Option C, Philaster. Option D, A King and No King. So the right answer is here, A King and No ंग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अ किंग एंड नो किंगे फ्रांसिस बोमेंट एंड जॉन फ्लैचर का प्ले था जॉन ड्राइडन ने एक टिपिकल कॉमेडीज में बेस्ट माना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर इन विच ऑफ दीज डिड शेक्सपियर एक्ट अ पार्ट किस ट्रेजिडी में शेक्सपियर ने एक्ट एक पार्ट के रूप में एक्ट किया तो रुकिए मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ वन मिनट सो ऑप्शन आर द डिवाइस इज एन एस ऑप्शन बी द न्यू एन ऑप्शन सी सैजनस हिज फॉल ऑप्शन डी कैटेलिन सो द राइट आंसर इज हियर सैजनस हिज फॉल तो ये एक कॉमेडी थी सेजनस हिज फॉल जिसमें कि शेक्सपियर ने एक्ट किया था याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव द एनाटॉमी ऑफ मेलन कोली इज रिटन बाय द एनाटॉमी ऑफ मेलन कोली इज रिटन बाय ऑप्शन ए जोसेफ हॉल सर थॉमस ओवरबरी ऑप्शन सी जेम्स असर ऑप्शन डी रॉबर्ट बर्टन सो द राइट आंसर इज हियर द एनाटॉमी ऑफ मेलन वर्क लिखा गया है रॉबर्ट बर्टन के द्वारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर द एनाटॉमी ऑफ मेलन इज रिटन बाय रॉबर्ट बर्टन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स Which of the following James Shirley's tragic comedies is known as the weekly reminiscent of Shakespeare's Macbeth so the right answer is here options are the young admiral option b the gamster option c the cardinal option d the politician so the right answer is here option d the politician option d is the right answer next question question number 7 ंग दोज राइटर्स रोट बोथ इन लैटिन एंड इंग्लिश हुई इंग्लिश किस प्रोज राइटर ने लैटिन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है सो ऑप्शन ए रोजर एस्टम ऑप्शन बी रिचर्ड हुकर ऑप्शन सी रॉबर्ट बर्टन ऑप्शन डी फ्रांसिस बैकन सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी फ्रांसिस बैकन फ्रांसिस बैकन एक प्रोज प्रोज राइटर हैं जिन्होंने लैटिन और इंग्लिश दोनों में लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट हु द फॉलोइंग प्रोज राइटर्स वॉज अपॉइंटेड ट्यूटर टू क्यून एलिजाबेथ एंड लैटिन सेक्रेटरी टू क्यून मैरी सो द राइट आंसर इज हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन जॉन लिली रिचर्ड हुकर रोजरसम एंड फ्रांसिस बेकन सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी रोजर एस चैम रोजर एस चैम वॉज अपॉइंटेड ट्यूटर टू क्वीन एलिजाबेथ एंड लैटिन सेक्रेटरी टू क्वीन मैरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन हुई इज कॉल्ड द ऑरिजिनेटर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है हु इज कॉल्ड द ऑरिजिनेटर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स सो द आंसर इज हियर ऑप्शन आर विलियम कांग्रे ऑप्शन बी बेन जॉनसन ऑप्शन सी जॉन अर्ल ऑप्शन डी रिचर्ड होकर सो द राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन ए विलियम कांग्रेव विलियम कांग्रेव इज कॉल्ड द ऑरिजिनेटर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स कॉमेडी ऑफ मैनर्स को अप मैंने अपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोज़ में अच्छे से आ, डिस्कस किया है अगर आपने नहीं वॉच किया है तो जाके चैनल की प्ले लिस्ट में आप उसको वॉच कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल इन टू इंग्लिश फ्रॉम द ग्रीक टेक्स्ट सो ऑप्शंस आ जॉन मैथ्यू जेम्स मोफेट एक हाँ तो हु वॉज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल इन टू इंग्लिश फ्रॉम ग्रीक टेक्स्ट सबसे पहले बाइबिल को किसने ट्रांसलेट किया था जो ग्रीक में लिखी हुई थी लैटिन लैंग्वेज में थी तो उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था उस ग्रीक टेक्स्ट को न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल को इंग्लिश में तो ये क्वेश्चन कई बार घूम फिर के आ जाता है घुमा फिरा के बाइबल को सबसे पहले किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था वो वॉज द फर्स्ट पर्सन तो उसका राइट आंसर है जॉन वाइक्लिफ वाइक्लिफ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल जो कि ग्रीक टेक्स्ट था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है द अथराइज वर्जन वर्जन एरोज आउट ऑफ अ कॉन्फ्रेंस एट हैम्पटन कोर्ट कन्वेंड बाय ऑप्शन आर क्वीन क्यू इन फर्स्ट इन सेवन क्वीन एलिजाबेथ इन सिक्सटीन हंड्रेड जेम्सटी हंड्रेड फोर अथराइज वर्जन एरोज आउट ऑफ अ कॉन्फ्रेंस एट अरोराइज वर्जन जो था वो जेम्स फर्स्ट ने सिक्सटीन हंड्रेड फोर में अथराइज वर्जन आया था लिखा था नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी इज कंसिस्टर इनका ईयर भी याद रखना है जेम्स फर्स्ट इन सिक्सटीन हंड्रेड फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है Human body is consisted of four humors blood, phlegm, choler, and melancholy. Who opines these opinions? Opinion. So the options are John Webster, Beaumont and Fletcher, William Congreve, Ben Johnson. So the right answer is here Ben Johnson. ह्यूमन बॉडी के जो फोर ह्यूमर्स हैं ब्लड फ्लैम कॉलर एंड मेलन उनको बेन जॉनसन ने बताया है बेन जॉनसन इज़ फेमस फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स विलियम कांग्रेव इज़ नोन टूडे फॉर हिज जैसे कि बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए फेमस है जिसमें कि इन्होंने अपने ये ब्लड और फ्लैम कॉलर एंड मेलन इन चीज़ों को बताया है उसी तरीके से विलियम कांग्रेव किसके लिए फेमस हैं तो विलियम कांग्रेव फेमस हैं अपने कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए राइट आंसर इज सी कॉमेडी ऑफ मैनर्स कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए विलियम कांग्रेव जाने जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच टाइप ऑफ कॉमेडी रिप्रेजेंट्स द ऑडिटीज एंड आइडोसेंक्रेसीज ऑफ अ कैरेक्टर ऑन द स्टेज आइडियो सिंक्रिसीज मीन्स होता है असामान्य विशेषता एक प्राकृतिगत लक्षण मतलब कुछ डिफरेंट टाइप का जो कि सामान्य से असामान्य व्यवहार या असामान्य विशेषता तो विच टाइप ऑफ कॉमेडी रिप्रेजेंट्स द ऑडिटीज एंड आइडियो सिंक्रिसीज ऑफ अ कैरेक्टर ऑन द स्टेज सो ऑप्शंस आर कॉमेडी ऑफ सिचुएशंस कॉमेडी ऑफ विट एंड फन कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स सो द राइट आंसर इज ह्यर ऑप्शन डी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में ऑडिटीज और आइडियोसिंक ऑफ अ कैरेक्टर स्टेज पर रिप्रेजेंट की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग पोस्ट शेक्सपीर ड्रामेटिस्ट डाइट ऑफ द प्लेग इन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव ऑप्शन आर जॉन हेवुड बेन जॉनसन फ्रांसिस ब्यूमेंट एंड जॉन फ्लैचर सो द राइट आंसर इज हियर जॉन हेवुड जैसा कि अभी हमने पढ़ा था 1641 में इनकी डेथ हुई थी बेन जॉनसन का 1637 में तो यहां पर राइट right आंसर है फ्रांसिस ब्यूमेंट फ्रांसिस ब्यूमेंट राइट आंसर है और फ्रांसिस ब्यूमेंट की डेथ हुई थी सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव में एंड हु द फॉलोइंग पोस्ट ड्रमटिस डाइड ऑफ द प्लेग इन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव सो फ्रांसिस ब्यूमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रेज जेकोबियन ड्रामा इज रिलेटेड टू जेकोबियन ड्रामा किससे रिलेटेड है सो ऑप्शन आर द ड्रामा ऑफ द एज ऑफ जेम्स फोर्थ द ड्रामा ऑफ द एज ऑफ एलिजाबेथ द ड्रामा ऑफ द एज ऑफ फर्स्ट द ड्रामा ऑफ द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट सो आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दलिजाबेथ द फ्रेज जेकोबी एंडा इज रिलेटेड टू द ड्रामा ऑफ द एज ऑफ एलिजाबेथ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क वॉज Left unfinished at his death, a philosophical romance modeled upon Moore's utopia. So, the right answer first of all options John Lilly's Euphor's The Anatomy of Wit, Joseph Hall's Virgin de Mariam, Option C, Francis Bacon's The New Atlantis, Option D, James Assert's Chronologic Sacre. So, right answer is here Option C, Francis Bacon's New Atlantis. वर्क फ्रांसिस बैकन का इनकम्प्लीट रह गया अनफिनिश्ड है वर्क ड्यू टू हिज डेथ उनकी डेथ के कारण ये वर्क उनका अधूरा छूट गया था और ये इनका फिलोसॉफिकल रोमांस है फ्रांसिस बैकन का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलोसॉफिकल रोमांस था जो कि थॉमस मोर के यूटोपिया पर बेस्ड था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन विच लिटरेरी वर्क बाय लॉर्ड बैकन एक्सप्लेन्स द न्यू लॉजिक are inductive method of reasoning upon which his philosophy is founded so the right answer is here options are selva selvaram scala intellectus option c novum organum option d philosophia secunda so the right answer is novum organum novum organum is the right answer Option, uh, sorry, question number 19. Which of the following plays of John Ford was founded on the story of Elizabeth Sayre executed for witchcraft in 1621? So, the options are The Witch of Edmonton. Option B, Fame Memorial. Fame's Memorial. Option C, The Lover's Melancholy. Option D, Lover's Sacrifice. So, the right answer is here, option A, The Witch of Edmonton. फ्रेंड्स वीडियो जो है लंबा हो रहा है लेकिन फोर्टी क्वेश्चन उसमें कवर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप बने रहिएगा लास्ट तक और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन मिल जाए आपको वीडियो को और हाँ लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक करें शेयर भी करें तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द एथीस्ट ट्रैजडी इज़ रिटर्न बाय एथीस्ट ट्रेजडी इज रिटर्न बाय ऑप्शन ए इज जॉन वेबस्टर ऑप्शन बी सैरल टर्नर ऑप्शन सी थॉमस हैवुड ऑप्शन डी थॉमस डेकर सो द राइट आंसर इज हेयर सैरल टर्नर द्रेजिडी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लॉज ऑफ इक्लेटिकल पॉलिटीज ग्रेट लिटरी वर्क रिटर्न बाय जॉन अर्ल रिचर्ड हुकर सर थॉमस ओवरी रॉबर्ट बर्टन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर रिचर्ड हुकर नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म मेटाफिजिकल इज क्वाइंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है द टर्म मेटाफिजिकल इज क्वाइंट बाय ऑप्शन ए डॉक्टर सेम्यूल जॉनसन ऑप्शन बी जॉन डन ऑप्शन सी जॉन ड्राइडन ऑप्शन डी विलियम ड्रमन सो द राइट आंसर इज डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन डॉक्टर सैम्युलसन इज द रईट आंसर द टर्म मेटाफिजिकल इज क्वाइं बाय डॉक्टर सैम्युल जॉनसन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है question number 23 samuel butler wrote a satire directed against sir paul neal of the royal society entitled the fair heaven genuine remains hoodie bras the elephant in the moon so the right answer is hoodie bras option c next question milton is regarded as the last elizabethan because because he wrote in the Shakespearean style and died at the end of the period, he shared the spirit of the Renaissance, which includes humanistic studies and the Reformation. He admired Shakespeare and adored Spencer for seniority. He was the last of the Elizabethan poets who wrote on classical models of poetry. Milton is regarded as the last of Elizabethans because toh, kya karan hai? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है सो द राइट आंसर इज हियर ही सेयर द स्पिरिट ऑफ द रैनेजाम विच इंक्लूड्स ह्यूमेनिस्टिक स्टडीज एंड द रिफॉर्मेशन ये इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट एंग्लर विच अपियर्ड इन सिक्सटीन फिफ्टी थ्री वॉज रिटर्न बाय Complete angler, angler which appeared in 1653 was written by Option A. Abraham Cowley Option B. John Milton Isaac Walton Option D. John Dunn So the right answer is here Option C. Isaac Walton Isaac Walton is the right answer Next question The Garden of Cyrus Traitized on the Cuncans is a work of ऑप्शन जॉन फोर्ड ऑप्शन बी सर थॉमस ब्राउन ऑप्शन सी फिलिप मैसेंजर ऑप्शन डी थॉमस हुप्स सो द राइट आंसर इज़ जॉन फोर्ड जॉन फोर्ड का वर्क है मैं बहुत जल्दी ही करा ताकि बहुत जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं क्योंकि नेक्स्ट है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द इंग्लैंड चेतनम्स लाइब्रेरी इन मानचेस्टर वॉज फाउंडेड इन option a 1650 option b 1651 option c 1652 option d 1653 so the right answer is here 1653 england's chatham's library in manchester was founded in 1653 question number 28 the age of milton has been called the age of milton has been called important question here next uh, options are the gold, golden age of the english pulpit एरा ऑफ मैथोलॉजिकल लिरिक लिरिक्स द एज ऑफ लिरिक्स एक मिनट फोर्थ ऑप्शन द एरा ऑफ पैस्टोरल पोइट्री सो द राइट आंसर इज हियर द गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश पलपेट इसका राइट आंसर ये है द एज ऑफ मिल्टन हैज बीन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश पलपेट नेक्स्ट क्वेश्चन King James I, who came to the throne of England after the death of Queen Elizabeth, belonged to Option A, Lancastrian dynasty, Option B, Tudor dynasty, Option C, uh, Hanoverian dynasty, Option D, Stuart dynasty. So the right answer is here Option D, Stuart dynasty. King James I belonged to Stuart dynasty. Option D is the right answer. वॉट काइंड ऑफ अ पोएम इन मिल्टंस लेसीदास इज मिल्ट लसीदास मिल्टन की लसीदास जो है वो किस टाइप की पोएम है एलिजी है कि पिक है ओल्ड है लिरिक है सो द राइट आंसर इज हेयर एलिजी मिल्टन लेसीदास इज अ एलिजी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच क्वीन ऑफ एलि इंग्लैंड डज ग्लोरिना इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट विच क्वीन ऑफ इंग्लैंड डज ग्लोरिना इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो द आंसर इज ऑप्शन ऑप्शंस आर मैरी ऑप्शन बी विक्टोरिया ऑप्शन सी एनी ऑप्शन डी एलिजाबेथ फर्स्ट सो द राइट आंसर इज हेयर एलिजाबेथ फर्स्ट ग्लोरना ने एलिजाबेथ फर्स्ट को uh, मतलब रिप्रजेंट करती है इस वर्क में द फैरी क्वीन में स्पेंसर के द फेरी क्वीन वर्क में ग्लोरिना ने uh, को के थ्रू एलग्राइज किया गया है एलिजाबेथ फर्स्ट के कैरेक्टर को नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन ईडियट फ्रॉम विच प्ले आर दीज वर्ड्स कोटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन ईडियट ये किस प्ले से ये लाइंस ली गई हैं शेक्सपियर की लिखी हुई लाइंस हैं और ये किस ए, किस प्ले की हैं द टेम्पेस्ट मैकबैथ किंगलियर हैमलेट तो किसकी लाइन्स हैं ऑप्शंस आर हेयर एंड द राइट आंसर इज मैकबैथ मैकबैथ की लाइन्स हैं मैकबैथ में ये ये क्यूट आई है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट मैकबेथ की लाइन से मैकबेथ प्ले से ली गई नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट ओथेलो की जो स्टोरी है वो किस कंट्री में सेट है एक मिनट ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डेनमार्क ऑप्शन बी वेनिस ऑप्शन सी इंग्लैंड ऑप्शन डी स्पेन So, the right answer is here Venice. Next question King Charles I dissolved the parliament in 1640 is known as option long parliament, option B short parliament, irresolute parliament, dissolute parliament. So, the right answer is here short parliament. King Charles I dissolved the parliament in 1640 known as short parliament. Next question. The royalists in the age of Milton are also called as Option R Option A Reformists. Option B brilliant birds. Option C Cavaliers. Option D intellectualists. So the right answer is here Cavaliers. Next question: William Brown's The Inner Temple of Mosque is a dramatic tale of option A: King James first, option B Queen Elizabeth, Option C Charles II Option D Ulysses. And yeah. so the right answer is here. Option A King James first. King James first is the right answer. Next question Who among the following poets combined an Arcadian with a Dun like style? Option A Giles Fletcher. Option D Pines Fletcher. Option C George with her. Option D William Brown. So the right answer is here. Option B, Fines Fletcher. Which of the following poems is inspired by the London Plague of 1625? Option A, Juvenile. Option B, The Seffords Hunting. Option C, Withers Motto. Option D, Britain's Remembrance. So the right answer is here. Option D, Britain's Remembrance. Option D is the right answer. Next question. क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन लॉ पैकले रिटर्न इन ट्वेल्व कॉन्टोज इज अ पोएम बाय एक किसकी पोएम ऑप्शन है अब्राहम कौले ऑप्शन सी जॉन क्लेवलैंड ऑप्शन सी जेन सेफलेन ऑप्शन डी मैडलिन डी स्कूड्री सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी ऑफ दिस वीडियो हुज पोएम्स वर नॉट पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन So options are Henry Vaughan, option B George Herbert, option C John Donne, or option D Richard Crosso. So the right answer is here John George Herbert. George Herbert's poem were not published during his lifetime. So uh, friends, these are today's questions, and I hope definitely you found these all are helpful in your preparation. So please like this video and share this video and subscribe the channel. Thanks for watching. We'll meet you again with next video.